हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? बढ़िया। चलिए तो आज हम लोग शुरू करेंगे क्लास ट्वेल्थ के लिए। ठीक है, क्लास ट्वेल्थ के लिए आज मैं फिजिक्स के पहले चैप्टर का लेक्चर बनाने जा रहा हूँ। एक्चुअली है क्या ना कि यार, इस फिजिक्स वाले पार्ट पे ऐसा है जो आपकी एनसीईआरटी की बुक वन है, एनसीईआरटी की जो पार्ट वन है क्लास ट्वेल्थ के लिए, इसमें जो पार्ट फर्स्ट वाली बुक है, ये इस वाली बुक के साथ लोचा ये है, प्रॉब्लम ये है कि यदि आपने इसका लेक्चर, इस बुक का लेक्चर यदि आपने शुरू से नहीं देखा। कैसे नहीं देखा? यदि आपने चैप्टर वन से यदि आपने शुरू नहीं किया, चैप्टर वन से यदि आपने प्रॉपरली शुरू नहीं किया है, तो आपको ये आगे एक दो लेक्चर की तो बात अलग है, लेकिन दो लेक्चर के बाद इसमें क्या है ना कि ये पूरी की पूरी बुक एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, मतलब एक दूसरे के बिना नहीं हो सकती। जैसे कि यदि आपने पहला चैप्टर पढ़ा तभी आप दूसरे चैप्टर को आपको आएगा, नहीं तो अदरवाइज होगा क्या कि यदि आपने दूसरा चैप्टर पढ़ लिया तो चाहे आप कितना भी पढ़ लें आपको वो दूसरा चैप्टर समझ में नहीं आने वाला। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसके लिए हम करेंगे कि चैप्टर वन की शुरुआत शुरू से करते हैं। ठीक है, हालांकि मैं लेक्चर इसके पहले बना चुका हूं, लेकिन आप लोग के लिए ही कि आपको सारी चीजें समझ में आ जाएं, क्योंकि मुझे कुछ लोगों के कमेंट मिले हैं कि सर हमें समझ में नहीं आ रहा। तो समझ में ना आने का सिर्फ एक रीजन यही है कि आपने शुरुआत से लेक्चर नहीं देखे, देखे इन द सेंस कि अभी मैंने बनाया ही नहीं है, तो आप देखेंगे क्या। तो आज हम शुरू करते हैं एनसीईआरटी का क्लास ट्वेल्थ के लिए, एनसीईआरटी पर चैप्टर नंबर वन, और इस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या नाम है? इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हालांकि मैं इस चैप्टर के आपके 5 से 6 जो लास्ट वाले टॉपिक है उनका मैं, जो इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए या कंपटीशन के लिए, उनके मैं लेक्चर आपको बना चुका हूं। ठीक है, तो आप वहां से जाके देख सकते हैं, लेकिन आपको यदि शुरू से समझना है, यदि आपको ये सारी चीजें नहीं आती हैं शुरुआत से, तो आप उन लेक्चर को भी देखने का कोई मतलब नहीं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप आएंगे यूट्यूब पर, डालेंगे ओलंपिया क्लासेस। क्या डालेंगे? ओलंपिया क्लासेस, और वहां पर डालेंगे तो ओलंपिया क्लासेस के बाद आप आएंगे तो प्लेलिस्ट पे जाइएगा, वहां पर आप क्लास 12 चैप्टर नंबर 1 डालेंगे, तो आपको आज से बिल्कुल शुरू से जो चैप्टर शुरू होता है इनिशियल स्टेज से आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, चैप्टर का नाम है, ये क्लास 12 के लिए है। ठीक है, चलिए तो चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, चैप्टर नंबर फर्स्ट, ये फिजिक्स। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले बात करते हैं कि इसमें चार्ज किसे कहते हैं, क्या है चार्ज किसे कहते हैं। तो हेडिंग लगाइएगा चार्ज, चार्ज को हिंदी में कहते हैं आवेश। तो देखिए चार्ज क्या है, चार्ज है किसी पदार्थ का वह गुण। पहले आवेश को समझ लीजिए हिंदी में, कि आवेश क्या है, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण किसी पदार्थ में आकर्षण या प्रतिकर्षण का गुण गुण जो है उत्पन्न होता है, आवेश कहलाता है। आवेश क्या है? पदार्थ का वह गुण जिसके कारण पदार्थ में आकर्षण या प्रतिकर्षण का गुण उत्पन्न होता है, क्या कहलाता है? आवेश कहलाता है। ठीक है, तो लिखिएगा, इसकी डिफिनीशन है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाई विच
मटेरियल बाय व्हिच अट्रैक्शन एंड रिपल्सिव प्रॉपर्टी इज कम्स ऑन मटेरियल इज नोन एज चार्ज. क्या कहते हैं? चार्ज. तो देखिएगा ये क्या है, चार्ज है. इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल. यानी कि ये चार्ज किसकी प्रॉपर्टी है? मटेरियल की प्रॉपर्टी है. बाय व्हिच, जिसके कारण. अट्रैक्शन एंड रिपल्सिव प्रॉपर्टी, मतलब कि आपका अट्रैक्शन और रिपल्सिव, मतलब अट्रैक्शन और रिपल्सन का क्या हो जाएगा प्रॉपर्टी, उसमें जनरेट हो जाएगी उस मटेरियल में. इज कम्स, आ जाती है ऑन मटेरियल, मटेरियल में, इज नोन एज चार्ज. तो क्या कहलाती है? उसे चार्ज कहलाती है. ऐसी मटेरियल की वह प्रॉपर्टी जिसके कारण वो मटेरियल आपका अट्रैक्ट किसी चीज को क्या करने लगता है, अट्रैक्ट करने लगता है या रिपल करने लगता है, या उनमें ऐसा बिहेवियर क्या हो जाता है, उसमें प्रोड्यूस हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है, वही क्या कहलाता है? चार्ज कहलाता है. ठीक है. इट इज रिप्रेजेंटेड बाई क्यू. ठीक है, अगली लाइन से लिखिएगा, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई क्यू. इसको किससे डिनोट करते हैं? क्यू से. इसको किससे प्रदर्शित किया जाता है? क्यू से. आवेश को किससे दिखाएंगे? क्यू से. ठीक है, अब इसके यूनिट पे आ जाते हैं. यूनिट ऑफ चार्ज, तो इसकी जो एमकेएस यूनिट होती है, क्या होती है? एमकेएस जो यूनिट होती है, ये आपकी होती है कूलाम. क्या होती है? कूलाम. हिंदी में क्या कहते हैं इसे? कूलाम. तो इसकी जो यूनिट होती है चार्ज की, वो क्या होती है? कूलाम होती है. एमकेएस सीजीएस में बात करूं तो इसकी यूनिट होती है स्टेट कूलाम. क्या होती है? स्टेट कूलाम. स्टेट कूलाम चार्ज की सीजीएस में यूनिट क्या होती है? स्टेट कूलाम. और ये स्टेट कूलाम को दो भागों में बांटा गया. कैसा है? एक होता है ESU. इसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रो स्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज. और एक होता है EMU. क्या होता है? EMU. इसका मतलब होता है इलेक्ट्रो मैग्नेटिक यूनिट. ठीक है, अब बात करते हैं कि आपका जो एक कूलाम होता है, क्या होता है? आपका जो एक कूलाम होता है वो होता है 3×10^9 ESU के. किसके बराबर होता है? 3×10^9 ESU के. ठीक है, आपका वन कूलाम होता है, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, वन कूलाम को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल सी से. तो वन कूलाम इज इक्वल टू 3×10^9 ESU. और यहां पर आपका वन कूलाम इज इक्वल टू होता है 1/10 EMU के. तो ये आपको यूनिट जो है याद रखनी है. ठीक है, यूनिट क्या रखनी है? यूनिट आपको याद रखनी है, ये सारी चीजें आपको याद रखनी है. तो ये आपकी यूनिट हो गया. ठीक है, बात समझ में आई कि चार्ज किसे कहते हैं?
चार्ज जो है ना किसी मटेरियल की प्रॉपर्टी है, किसकी प्रॉपर्टी है, मटेरियल की प्रॉपर्टी है, जिसके द्वारा क्या पता चलता है कि यह क्या करता है कि उस पर अट्रैक्टिव या रिपल्सिव प्रॉपर्टी मटेरियल में आ जाती है, उसी को क्या कहते हैं, चार्ज कहते हैं। इसको कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी यूनिट, यूनिट आपकी दो टाइप की होती है, एक एमकेएस और एक सीजीएस। तो एमकेएस यूनिट की बात करूं तो कूलाम होती है, सीजीएस की बात करूं तो स्टेट कूलाम होती है। अब सीजीएस जो है आपका दो टाइप का होता है, एक यूएसयू, ईएसयू। ईएसयू का मतलब होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज। और ईएमयू का मतलब होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। चलिए, एक कूलाम बराबर क्या होता है, 3 × 10⁻⁹ ईएसयू के, और एक कूलाम बराबर होता है 1/10 ईएमयू के। ठीक है, चलिए अब इसको हटा देता हूं। ठीक है, नोट कर लिया, नोट कर लीजिए। चलिए हटा दूं, बहुत अच्छे। बहुत आराम आराम चलेंगे, एकदम से जीरो लेवल से चलेंगे। आपका जीरो लेवल चल के आपको बोर्ड लेवल तक लाएंगे, बोर्ड लेवल से बाद हम लोग कंपटीशन लेवल पर चले जाएंगे। लेकिन आपको जैसे जैसे हम चल रहे हैं वैसे वैसे आपको चलना है। ठीक है, यदि आप वैसे वैसे आगे बढ़ेंगे तो आप बोर्ड में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, अब अगली हेडिंग डालिएगा, टाइप ऑफ चार्ज। टाइप ऑफ चार्ज, आवेश के प्रकार, आवेश के प्रकार। तो देखिए, इसको पहले बात कर लेते हैं कि शुरुआत पे यानी इनिशियल स्टेज पे आपका कोई भी मटेरियल होता है, कोई भी पदार्थ होता है, कोई भी कुछ भी होता है, एटम होता है। ठीक है, वो शुरुआत में क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहता है। मतलब शुरुआत में इनिशियल पोजीशन पर उस पर कोई चार्ज नहीं रहता है। तो लिखिएगा, एवरी एटम इज इलेक्ट्रिकली, इलेक्ट्रिकली कौन सा कली, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एट इनिशियल। एट इनिशियल कब तक, शुरुआत में आपका कोई भी एटम क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहता है, जब तक कि उस पर कोई आपका एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए, जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। एवरी एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल इन नेचर कर लीजिए, चलिए इन नेचर। ठीक है, शुरुआत में क्या रहता है कि आपका जो भी एटम होगा, जो भी पदार्थ होगा, जो भी मटेरियल होगा, कैसा होगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहेगा। कैसा रहेगा, न्यूट्रल रहेगा। इफ वी अप्लाइड सम एक्सटर्नल फोर्स ऑन इट, यदि हम इस पर क्या करें, इस एटम पर यदि हम कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं एंड रिमूव इलेक्ट्रॉन ओवर इट, और इसके ऊपर से हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन रिमूव कर लेते हैं, देन अब ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन दे दिया, इलेक्ट्रॉन रिमूव ओवर इट एंड रिमूव इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, हटा लेते हैं। तो उस पर कैसा चार्ज है, देन तो इस पर कैसा चार्ज है, देन पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज कम्स ऑन इट, इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। एंड इफ
फिर क्या करते हैं, इफ इलेक्ट्रॉन इज गिवन टू द एटम, अब एटम को क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तो इस पर क्या हो जाएगा, देन निगेटिव चार्ज कम्स ऑन इट। ठीक है, बात समझ में आई। तो कुल मिला के चार्ज कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के, एक पॉजिटिव चार्ज और एक निगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के, एक पॉजिटिव चार्ज और एक निगेटिव चार्ज। बात समझ में आई। तो मुद्दे की बात यह है, किसकी बात, मुद्दे की बात यह है कि जब किसी एटम से आप इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन किसी एटम से आपने इलेक्ट्रॉन को क्या कर लिया, उससे ले लिया, उससे ले लिया, तो उस पर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। और यदि आपने उससे इलेक्ट्रॉन उसको क्या किया, दिया है, और यदि आपने इलेक्ट्रॉन उस एटम को दिया है, तो उस पर कैसा चार्ज आ जाएगा, निगेटिव चार्ज। बात समझ में आई। तो आवेश आपके दो प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक आवेश और एक ऋणात्मक आवेश, एक धनात्मक आवेश और एक ऋणात्मक आवेश। बात समझ में आई। तो आप इसको शॉर्ट कैसे ऐसे लिख सकते हैं कि ये रहा कोई एटम, और एटम से हमने माइनस का इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, इलेक्ट्रॉन हमने क्या कर लिया, उससे माइनस कर लिया, तो एटम पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। और यदि हम एटम को इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, दे दें, इलेक्ट्रॉन हम एटम को दें, तो यहां पर निगेटिव चार्ज आएगा, क्या आएगा, निगेटिव चार्ज आएगा। तो आप इनको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब एक चीज मैं आपको बता दूं कि देखिए, जो अभी आपका एटम रहता है, जो भी मॉलिक्यूल रहता है, जो एटम रहता है, उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सब कुछ होता है। क्या होता है भाई, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा ना कि इलेक्ट्रॉन भी होता है और प्रोटॉन भी होता है, लेकिन चार्जिंग के लिए, किसी एटम पर चार्ज आने के लिए सिर्फ और सिर्फ क्या रिस्पॉन्सिबल है, इलेक्ट्रॉन। ये देखिए, प्रोटॉन का यहां पर कोई इस्तेमाल नहीं है, प्रोटॉन किसी भी एटम को चार्ज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, किसी भी एटम को चार्ज करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, इलेक्ट्रॉन। क्या रिस्पॉन्सिबल है, इलेक्ट्रॉन। चलिए ये हो गया, आपने नोट कर लिया होगा, चलिए हटा दूं इसे, कोई नहीं। हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। चलो हटा दिया गया। अब हम लोग बात करते हैं किसकी, मेथड ऑफ चार्जिंग की, किसकी, मेथड ऑफ चार्जिंग। ठीक है, तो कैसे किसी को आवेशित कैसे करते हैं, आवेशित करने की विधियां, आवेशित करने की विधियां। यार हिंदी मेरी इतनी स्ट्रांग नहीं है, फिर भी मैं थोड़ा बहुत कोशिश करूंगा कि आपको जो हिंदी मीडियम वाले भी देख रहे हैं उनको भी थोड़ा सा मजा आए, क्या है, मजा आए। तो इसमें पहला मेथड है भाई फिक्शन, पहला मेथड है बाई फिक्शन। बाई फ्रिक्शन मतलब घर्षण द्वारा, घर्षण के। तो देखिए बाई फ्रिक्शन का मतलब क्या है, देखिए ये आपका कभी एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा,
ठीक है, नेवर एवर, ना तो कंपटीशन में ना ही बोर्ड लेवल में, लेकिन आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? पता होनी चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि आपने इनका उपयोग बहुत किया, बहुत सारा किया है, बचपन में किया है, कंफर्म किया है, 110% किया है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता, यदि आपने कुछ हरकतें हैं जो मैं बता रहा हूं, यदि आपने नहीं किया तो यू आर सच ए नाइस गाय एंड यू मिस्ड योर चाइल्डहुड, ठीक है, यू वेस्टेड योर चाइल्डहुड, आपने अपने चाइल्डहुड को क्या कर दिया, बर्बाद कर दिया, तबाह कर दिया, ठीक है। तो देखते हैं वो हरकतें एक्टिविटी क्या है। अच्छा, आपने पक्का किया होगा कि आपने एक स्केल जो आती है, स्केल पटरी जिसे कहते हैं हिंदी में, पटरी स्केल, आपने अपने सर पे रगड़ा होगा, पक्का कंफर्म, बालों पे ऐसे ऐसे किया होगा बचपन में। फिर छोटे छोटे कागज के टुकड़े ले लेते थे, छोटे छोटे कागज के टुकड़े ले लेते थे और क्या करते थे, उनको जो है मेज में हम लोग डाल देते, डेस्क पे डाल देते थे। मैं यार अपनी बात बता रहा हूं, हम लोगों ने तो किया है, अब आपको पता नहीं। हम क्या करते थे कि ऐसे पटरी लिया, स्केल लिया और उसको सिर पर ऐसे ऐसे करने के बाद निकाल के उसको जो कागज के टुकड़े के ऊपर जो डेस्क पर पड़े रहते थे, तो उनको यदि हम पटरी से ऐसे ऐसे करते थे तो जो कागज के टुकड़े होते थे वो क्या होते थे, उस पटरी पर, उस स्केल पर जाके यदि दूर भी रहते थे ना, इतने ऊपर भी ले जाते थे, तो पटरी क्या करती थी, उसको अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेती थी। किसको? कागज के टुकड़ों को पटरी जो है, स्केल जो है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती थी। तो ऐसा क्यों हुआ? तो देखिए, जो ये आपका फ्रिक्शन वाला चार्ज है, क्या है, फ्रिक्शन वाला है, क्या है आपका, फ्रिक्शन वाला है। तो जो ग्लॉस रॉड है, इससे हमने क्या किया कि यहां पर जब हमने इसको रब किया ना, तो इससे हमने क्या किया, इलेक्ट्रॉन इससे हमने निकाल लिए हैं। क्या किए हैं भाई, फ्रिक्शन के द्वारा क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन हम निकाल ले रहे हैं। और जब हम इलेक्ट्रॉन हम पटरी से निकाल ले रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन वो कैसा हो गया, पॉजिटिव चार्ज। और जो आपका वो है, इसके कारण वो क्या किया, बात समझिएगा, अपने पटरी लिया, यहां पर रगड़ा, रगड़ने से क्या हुआ कि पटरी ने अपने इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, छोड़ दिया, मतलब पटरी पर कैसा आ गया, पॉजिटिव चार्ज, पटरी पर कैसा आ गया, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और यदि उसी कागज के टुकड़े में ही यदि रगड़े ना, तो कागज के टुकड़े में क्या हो गया, निगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव और निगेटिव एक दूसरे को क्या करते, अट्रैक्ट करते। चलिए मैं एक चीज और बता देता हूं, पहले इससे पहले, अभी फ्रिक्शन से पहले आप लोग लिखिएगा कि सेम नेचर के चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, ठीक है। तो सेम नेचर चार्ज, चार्ज रिपेल, सेम नेचर चार्ज रिपेल टू ईच अदर, एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, मतलब प्रतिकर्षित करते हैं, क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। यदि सेम नेचर के चार्ज हैं, यानी पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करेंगे, एक दूसरे से दूर जाएंगे, और अपोजिट नेचर चार्ज, अपोजिट नेचर चार्ज अट्रैक्ट टू ईच अदर, जो अपोजिट नेचर के होंगे वो क्या होंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, अट्रैक्ट करने का मतलब आकर्षित करेंगे, ठीक है। यदि अपोजिट नेचर का मतलब, यदि एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, एक पॉजिटिव चार्ज और एक निगेटिव चार्ज, यहां पर यदि पॉजिटिव पॉजिटिव या आप कह सकते हैं निगेटिव निगेटिव, ठीक है। तो यदि पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे के करीब लाते हैं तो वो एक दूसरे से दूर जाएंगे, निगेटिव निगेटिव पास लाते हैं, एक दूसरे के करीब लाते हैं तो वो भी क्या होंगे, एक दूसरे से दूर जाएंगे। और यदि पॉजिटिव और निगेटिव हैं, दो अलग नेचर के चार्ज हैं, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, तो दोनों एक दूसरे के करीब आएंगे। तो जब करीब आते हैं तो इसका मतलब क्या है, ये एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं, यानी अट्रैक्ट कर रहे हैं, और जब एक दूसरे से दूर जाते हैं तो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। ये इतनी सी बात है, चलिए हटा दूं इसे।
तो यहां पर बात यह है मेरे भाई कि घर्षण के द्वारा हम क्या करते हैं कि एक ग्लास की एक रॉड लेते हैं, यह हमने एक रॉड लिया, ग्लास रॉड है मतलब कांच की रॉड है, कांच की छड़ है, ग्लास रॉड, ठीक है। इसको हमने क्या किया, एक कॉटन का कपड़ा लिया या सिल्क का कपड़ा लिया, एक ये क्या है सिल्क का कपड़ा है, सिल्क क्लॉथ, ये कैसे है सिल्क का कपड़ा है। अब क्या कर रहे हैं हम इस पर, हम इसको एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, घिस रहे हैं, मतलब इसको और इसको, इस ग्लास रॉड को उठाया और इस पर हमने क्या किया रगड़ा, इस क्लॉथ पर ये जैसे कपड़ा रहा, ठीक है, ये सिल्क का मान के चलिए कि ये क्या है आपका सिल्क का कपड़ा है और ये आपका क्या है ग्लास की रॉड है। हम इसको लाए और एक दूसरे के साथ ऐसे ऐसे मतलब इसको क्या किया हम इस पर रगड़ने लगे, तो इस ग्लास की रॉड पर, इस रॉड पर कैसा चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, इस ग्लास की रॉड पर कैसा चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, ये आ गया आपका पॉजिटिव चार्ज। तो ग्लास रॉड पर कैसा आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और इस सिल्क वाले पर कैसा आ जाएगा निगेटिव चार्ज, सिल्क क्लॉथ्स पर निगेटिव चार्ज और इस पर पॉजिटिव चार्ज, बात समझ में आई। तो यहां से हम क्या कर रहे हैं, यहां से हम एक दूसरे को मतलब मेथड ऑफ चार्जिंग है कि आप किस तरीके से किसी को भी चार्ज कर सकते हैं। तो पहला मेथड क्या है भाई, फ्रिक्शन मेथड, मतलब एक ग्लास रॉड लिया और एक सिल्क का कपड़ा लिया, उनको एक दूसरे के साथ रब किया मतलब एक दूसरे से घसा, तो क्या हुआ वहां पर ग्लास रॉड पर पॉजिटिव चार्ज आ गया और सिल्क रॉड सिल्क के कपड़े पर कैसा आ गया निगेटिव चार्ज आ गया। अब आती है बात कंडक्शन की, किसकी बात आती है कंडक्शन की, तो ये पहले लिख लीजिए, इसको आप उतार लीजिए, ठीक है ना, फिगर से ही आप समझ लीजिएगा, ठीक है, फिगर से समझ लीजिएगा, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं यार, ठीक है ना। चलिए तो अब बात आती है बाई कंडक्शन मेथड, इसको हटा दूं, आपने आई होप आपने लिख लिया होगा, चलिए हटा दे रहा हूं। तो पहला हो गया बाई फ्रिक्शन, दूसरा है बाई कंडक्शन, यार इसका मुझे हिंदी नहीं पता, बाई कंडक्शन, इसमें क्या करते हैं, इसमें करते हैं कि एक कोई रॉड जो है पहले से पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज रहती ही रहती है, कैसी रहती है पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज रहती ही रहती है, ये कैसा मान के चलो कि ये निगेटिव चार्ज है, कैसी रॉड है निगेटिव चार्ज, ये एक रॉड है और जिस पर कैसा चार्ज है निगेटिव चार्ज, कैसा है निगेटिव चार्ज, और एक आपने क्या लिया स्फीयर लिया, क्या लिया स्फीयर, गोला है, स्फीयर मतलब गोला, मेटालिक कंडक्टिंग स्फीयर, कैसा है कंडक्टिंग स्फीयर है, या मतलब शुरुआत में कैसा है न्यूट्रल स्फीयर है, कैसा है न्यूट्रल है स्पीयर है, वो भी कैसा है न्यूट्रल, मतलब इस पर अभी कोई चार्ज नहीं है। अब मैंने क्या किया इस रॉड को लेके, इस रॉड को मैंने लिया और इसके साथ मैंने क्या किया अटैच कर दिया, इस रॉड को लिया और इसके साथ अटैच कर दिया, इस रॉड को लिया और इसके साथ जो मैंने क्या कर दिया अटैच कर दिया, तो अब क्या होगा जब इनको मैं अटैच कर दिया, इसको रॉड को लिया और इसके साथ अटैच कर दिया, मतलब अब कुछ केस ऐसा बन गया कि ये रहा आपका स्फीयर और ये रहा निगेटिव चार्ज रॉड, इसको मतलब एक दूसरे से चिपका दिया, तो अब देखेंगे क्या कि इसकी जो जो चार्ज था, जो यहां पर चार्ज था, इससे चार्ज फ्लो होने लगेगा, रॉड से चार्ज स्फीयर की सरफेस पर आ जाएगा, यहां से चार्ज स्फीयर की सरफेस पर आ जाएगा, तो ये भी कैसा हो जाएगा निगेटिव चार्ज, मतलब इस स्फीयर के यहां पर क्या हो जाएगा निगेटिव चार्ज आ जाएगा, ये भी निगेटिव चार्ज हो गया और ये रॉड भी आपकी कैसी थी, ये तो पहले से ही निगेटिव चार्ज थी, तो ये निगेटिव चार्ज, और यहां से
इस वाले से इस वाले तक चार्ज तब तक आएंगे कि जब तक कि इस पर और इस पर चार्ज क्या हो जाए, बराबर ना हो जाए। तो ये भी निगेटिव चार्ज और ये भी निगेटिव चार्ज, ठीक है। तो ये रहा आपका दूसरा मेथड, उतार लीजिए इसे, नोट कर लीजिए। ठीक है, अब चार्जिंग का आज का आखिरी मेथड है, आज का नहीं मतलब अब इस चार्जिंग का आखिरी मेथड, दो मेथड हो गए, तीसरा मेथड है बाय इंडक्शन। इसको हटा दूं, चलिए बाय इंडक्शन, बाय इंडक्शन। इसमें मेरे भाई क्या करते हैं कि आप यदि कोई मान के चलिए कि आपने कोई एक निगेटिव चार्ज गिरा लिया, पॉजिटिव भी ले सकते हैं यार, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं निगेटिव ले रहा हूं। हमने एक निगेटिव चार्ज रॉड लिया, कैसा है ये जो रॉड है, रॉड पर कैसा चार्ज है, निगेटिव चार्ज, कैसा है निगेटिव चार्ज। और एक अब हमने क्या लिया, स्फीयर लिया, क्या लिया, स्फीयर लिया, क्या लिया मेरे भाई, स्फीयर लिया, ठीक है। तो अब ये क्या करते हैं कि इस चार्ज, इस वाली वाली रॉड को, ये न्यूट्रल है अभी, कैसा है स्फीयर, न्यूट्रल है अभी, इस स्फीयर पर कोई चार्ज नहीं है, ठीक है ना। तब आप देख क्या रहे हैं, आप देखेंगे कि यहां से ये जो निगेटिव चार्ज वाली रॉड है और ये स्पीयर एक दूसरे से दूर रखे हुए, इंडक्शन का मतलब यही है कि ये दोनों एक दूसरे से दूर रखे रहेंगे, एक दूसरे को टच नहीं करेंगे। लेकिन अच्छा, ये स्पीयर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल, लेकिन आपको तो पता है ना कि शुरुआत में अंदर में इसमें इलेक्ट्रॉन और मतलब पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज दोनों होंगे, क्या होंगे, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज दोनों होंगे, लेकिन वो शुरुआत में होंगे अंदर की तरफ, मतलब जितने पॉजिटिव चार्ज होंगे उतने ही निगेटिव होंगे, क्योंकि शुरुआत में कैसा है, न्यूट्रल है, तो पॉजिटिव और निगेटिव क्या हो गए, कंपनसेट हो गए। मतलब इस पर ऐसा नहीं है कि स्पीयर पर चार्ज नहीं है, चार्ज है, उस पर पॉजिटिव चार्ज भी है और निगेटिव चार्ज भी है, लेकिन शुरुआत में क्या है कि जितने पॉजिटिव चार्ज हैं उतने ही क्या है उसमें निगेटिव चार्ज हैं। अच्छा, तो अब होगा क्या कि अब मैं इस वाली रॉड को इसको पास लेके आता हूं, लेकिन स्फीयर से टच नहीं कराता, रॉड को उठाया, स्फीयर के पास लाया, लेकिन स्फीयर से टच नहीं करा रहे हैं, स्फीयर से टच नहीं करा रहे हैं। तो होगा क्या कि अब यहां पर इंडक्शन के द्वारा, किसके द्वारा, इंडक्शन के द्वारा इस स्फीयर पर, भाई देखिए ये कैसा है, निगेटिव चार्ज है, तो निगेटिव चार्ज के कारण इसके अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है, जो कैसे हैं, पॉजिटिव चार्ज हैं, इसके स्फीयर पर कि आउटर सरफेस पर आ जाएंगे, ठीक है। तो जब वाई इंडक्शन के कारण, किसके कारण, इंडक्शन के कारण अभी ये टच नहीं हुआ है, तो ये जो स्फीयर है, ये रॉड अभी भी आपकी कैसी है, निगेटिवली चार्ज रॉड ही है, वही रॉड ही है, ठीक है। इनको थोड़ा सा करीब लाए तो ये जो अंदर जो पॉजिटिव चार्ज थे, ये पॉजिटिव चार्ज इसकी बाहर इस तरफ सरफेस पर आ जाएंगे, और इसके कारण यहां पर क्या आ जाएंगे, क्योंकि निगेटिव चार्ज भी थे तो निगेटिव चार्ज इसके आउटर सरफेस पर चले जाएंगे, ठीक है। निगेटिव चार्ज के लिए हमने क्या किया कि इसको अर्थिंग कर दिया, क्या कर दिया, इसकी अर्थिंग कर दिया। अर्थिंग करने का मतलब है कि इस जगह का पोटेंशियल क्या कर रहे हैं, जीरो कर रहे हैं। तो ये हम मान के चलते हैं कि जो भी निगेटिव चार्ज है वो कहां पर चला गया, चार्ज आपका अर्थ पर चला गया, जो इलेक्ट्रॉन है वो कहां पर चले गए, अर्थ पर चले गए, इलेक्ट्रॉन आपके अर्थ पर चले गए। तो अब इस स्फीयर पर आउटर सरफेस पर कैसा चार्ज हो जाएगा, केवल और केवल पॉजिटिव चार्ज। तो देखिए न्यूट्रल स्फीयर था, उस न्यूट्रल स्फीयर पर हम पॉजिटिव चार्ज लेते हैं, इस न्यूट्रल स्फीयर पर हम पॉजिटिव चार्ज लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका चार्जिंग का मेथड था, ठीक है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। नोट डाउन कर लिया, चलिए अब एक चीज बता देता हूं कि आप यदि आप किसी मटेरियल पे या किसी मेटल पे, किसी मॉलिक्यूल पे, किसी एटम से आप क्या करते हैं, उस पर चार्ज जो है
मतलब उससे इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं या उस पर दे रहे हैं, तो उसके मास पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके मास पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो हम ये चीज देख लेते हैं। तो एक कोई एटम है ए, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, क्या है पॉजिटिव चार्ज है, मतलब कि इससे पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है, इससे इलेक्ट्रॉन निकाला गया है, इलेक्ट्रॉन क्या किया गया है निकाला गया है। और एक कोई वही एटम है उस पर निगेटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज का मतलब क्या है कि उस पर चार्ज, उसको चार्ज दिया गया है, निगेटिव चार्ज का मतलब क्या है उसको चार्ज दिया गया है। और एक ए है, ठीक है, इस पर जो है कोई चार्ज नहीं है, ये न्यूट्रल है, ये इस पर निगेटिव चार्ज आ गया है और इस पर पॉजिटिव चार्ज। इसका जो मास है पॉजिटिव चार्ज का, वो मैं मान के चल रहा हूं कि m डैश है, कितना है m डैश है, ठीक है। जो आपका निगेटिव चार्ज है इसका मास m2 है और इसका मास आप m है, चलिए मैं इसको m1 m2, इसका m1 m2 और m3, ये इनके सबके क्या है मास है, पॉजिटिव चार्ज का मास m1 है, निगेटिव चार्ज का मास m2 है, और इसका मास न्यूट्रल एटम का मास कितना है आपका m3 है। अब आपको बताना है कि किसका मास अधिक होगा, मतलब m1 बड़ा होगा कि m2 बड़ा होगा कि m3 बड़ा होगा, ठीक है, इसको देखते हैं। तो आप पहले यह बताइए, एक इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये होता है 9.1 × 10⁻³⁻³ kg, ये कितना होता है इलेक्ट्रॉन का मास होता है, कितना होता है 9.1 × 10⁻³⁻³ kg। तो देखिए अब आप इस पर क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज का मतलब है कि उस पर इलेक्ट्रॉन आ रहा है, यह भी न्यूट्रल है, इस पर इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है आ रहा है, तो कुछ ना कुछ तो मास अपने साथ ला रहा है, भले ही बहुत छोटा सा मास ला रहा है लेकिन कुछ ना कुछ तो मास ला रहा है ना, तो भाई इस पर कुछ ऐड हो रहा है, इलेक्ट्रॉन इस पर ऐड हो रहा है, तो यानी कि सबसे बड़ा क्या होगा निगेटिव चार्ज, मतलब सबसे भारी कौन सा होगा एम टू, एम टू के बाद एम, क्योंकि इससे इलेक्ट्रॉन निकल गया है यानी यह और हल्का हो गया है, तो ये सबसे लास्ट में आएगा एम थ्री और ये एम वन। तो यदि चार्ज में बात करूं तो सबसे भारी कौन सा होगा निगेटिव चार्ज वाला एटम, फिर ऐसे न्यूट्रल एटम और फिर पॉजिटिव चार्ज वाला एटम, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, कल हम शुरू करेंगे आपका अगला लेक्चर जो आपकी होगा, जो आपका बेस्ड होगा कूलॉम्स लॉ पर, किस पर कूलॉम्स लॉ पर, ठीक है, कूलॉम्स लॉ पर पढ़ेंगे। तो आज जो हमने पढ़ाया आज आप उसको बहुत बेसिक्स बेसिक छोटी छोटी चीजें हैं, इनको आप अच्छे से नोट करके जबरदस्त नोट्स बना के इनको बार बार रिवाइज करते रहेगा, ताकि ये आपको आगे आने वाले समय में इनको आप ऐसे पढ़ेंगे दोबारा ना पढ़ना पड़े, ठीक है ना। चलिए तो आप इन्हें यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ओलंपिया क्लासेस को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको समय पर क्या मिल जाएगा नोटिफिकेशन, जिससे क्या होगा ना कि आप जो है ना समय पर यदि नोटिफिकेशन मिल जाएगा तो आपका टाइम नहीं बर्बाद होगा, आप समय समय पर वीडियो पर डे एक लेक्चर आता है आप देखेंगे और आपका बहुत स्मूथली सिलेबस क्या हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए ऑल द बेस्ट।